राहुल गांधी खानदानी झूठेले हैं, बड़ी बड़ी बातें कर गए। ये मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, सरकार बनाओ, 2 लाख तक के कर्जा माफ, 10 दिन के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये वो बोले, मैंने गिनती नहीं की। और 10 दिन में माफ नहीं किया तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। बताओ मेरे किसान भाइयों, कर्जा माफ हुआ क्या? अरे जोर से बताओ, कर्जा माफ हुआ क्या? 4 महीना होने वाले हैं, अब तक तो 14 मुख्यमंत्री बदल देते रहे, झूठ बोले और निकल दिए। एक तरफ राहुल गांधी ढींग हाथ खा रहे, पूरे देश में कह रहे हैं मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ कर दिया, स्व सहायता समूह का कर्जा माफ कर दिया, और दूसरी तरफ कमलनाथ किसानों को मोबाइल पे मैसेज लिख रहे हैं, राम जी तेरा कर्ज माफी का आवेदन मिला, लेकिन अब चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई, इसलिए अभी तेरा कर्जा माफ नहीं होगा, चुनाव में बोलते तब देखूंगा बात। एक कह रहा माफ हो गया, एक कह रहा अभी नहीं हुआ, चुनाव के बाद देखेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, जनता को धोखा दे रहे, जनता को ठग रहे, जनता को छल रहे हैं। अरे बिल्कुल सीधी बात है मेरे भाइयों और बहनों, कर्जा माफ करना तो कैसे होगा, जिससे किसान ने कर्जा लिया उस बैंक को पैसा जमा कर दो, सही बात है कि नहीं? आप बताओ सही बात है कि नहीं? पैसा जमा करो, कर्जा माफ हो जाएगा, बैंक किसान से नहीं मांगेंगे। अब राजेंद्र जी और कुंवर सिंह जी बैठे हैं, बजट में कितना प्रावधान कर्जा माफ होना है, 48,050,000 करोड़ का बजट में प्रावधान किया, 5,000 करोड़, और बैंकों को दिए 1,300 करोड़। अब पैसा ना मेला कुसमी का मेला, अरे कर्जा माफ, कर्जा माफ, हमारे हाथ लाने से कर्जा माफ हो जाए, भूल समझ रहा है क्या जनता? अब किसानों को नोटिस दे रहे बैंक वाले, कर्ज कर्ज दान नहीं चुकाओ, डिफॉल्टर हो रहे, परेशानी भुगत रहे। देखो कैसा अन्याय। एक कांग्रेस के मित्रों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये मेरा आदिवासी किसान बैठा है, छोटा किसान बैठा है, छत्तीसगढ़ में धान के तुम दे रहे हो 2500 रुपया कुंटल धान के छत्तीसगढ़ में मिल रहे हैं, बताओ 2500 रुपया कुंटल कुसमी में मिलना चाहिए कि नहीं धान के? अरे जोर से बताओ मिलना चाहिए कि नहीं? और ये नहीं दे रहे तो अन्याय है कि नहीं? ये अन्याय कर रहे हैं, ये बेईमानी कर रहे हैं। अरे मामा ने तो तय किया था धान का बोनस दूंगा, सोयाबीन का बोनस दूंगा, गेहूं 2100 खरीदूंगा। कि देश के जो उन चौकीदार है आजकल, वह समय नाराधीन कि यदि हमें देश के चाबी मिल जाए, यदि हम प्रधानमंत्री बन जाए, देश के चौकीदारी करब, तो जितना काला धन है विदेश में सब लेके आओ और हर के खाता में 15-15 लाख रुपया दे दे। जनता पगलाएगा। पंजाबों सिंह हमसे कहते रहे, भैया हम हिसाब किताब लगावे लागे रहे कि मोर दूठे लड़का है, एक बिटिया है, 5 जने हो जाए तो 75 लाख मिल जाए, हम अपन पुरान कमांडर जी बेच के एक नई स्कॉर्पियो खरीदते। इतने भर तो रहा, पटेलों जी चले गए, हार गए, हम हार गए, और ये युवा साथी जे खड़े ही पगलाएंगे। नरेंद्र मोदी कहें हर साल हम 2 करोड़ लोगन का रोजगार दें, तो हमारे युवा साथी पगलाएगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी, इतना राना। लेकिन 5 साल बीत गया, 5 साल बीते के बाद अपना के खाता मकाव जौनो धरे रहा बैंक खाता खोले के दिन, वह कम होएगा कि नहीं? कर्ज माफी का वादा किया, पूरा नहीं किया, बेरोजगारी भत्ते का वादा किया, पूरा नहीं किया, रोजगार देने का वादा किया, पूरा नहीं किया। गरीबी गरीबी जब चुनाव आता है तब कांग्रेस खेलती है, 55 साल में गरीबी नहीं हटाई, अब गरीबों की बात कर रही है, झूठ बोलती है, भ्रम फैलाती है, झूठ का पुलंदा है उनका वचन पत्र। इसलिए क्या मैं उत्तर दूं, उनकी पार्टी कुछ और कहती है। सर कांग्रेस घोषणा पत्र के बारे में कुछ बोलेंगे? मैं यहाँ बोल दिया, अब जाना पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान
विकास सिंह जी अपनी नॉलेज अपडेट कर लें। करीब 45% किसानों के खाते में पैसा आ गया। आचार संहिता की वजह से बाकी किसानों का मामला लंबित है, लेकिन उनके फोन में सूचना आ गई कि आपका इतना पैसा कटको हो गया, माफ हो गया। बिंद क्षेत्र के या बघेली न्यूज चैनल का अपना लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, आपन सुझाव हमका अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।